आदाब, हलन वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम एक अहम जानकारी, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के वो स्टूडेंट जो फ़िलहाल स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके ऑड सेमेस्टर में जिनको जाना है, उनके लिए ये जानकारी है। यूनिवर्सिटी कंट्रोलर फॉर एग्जामिनेशन परीक्षा नियंत्रक श्रीमती रश्मि त्रिपाठी ने एकेडमिक कैलेंडर की घोषणा कर दी है 10 जुलाई 2020 को, यानी कि अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑड सेमेस्टर में जाना है, जो ऑड सेमेस्टर में प्रोमोट हो जाएंगे। आपको ये बता दें कि 20 जुलाई 2020 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 13 जुलाई से शुरू होगी जो 7 अगस्त 2020 तक चलेगी। क्या है जानकारी, क्या है डिटेल्स, आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नोटिस की कॉपी भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आगे वीडियो को ध्यान से देखिए। नोटिस की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। CSB academic/2-3/volume-2/2016/694 डेट 10 जुलाई 2020। नोटिस में क्या कहा गया है? इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्टिव्स ऑफ MHRD एंड UGC विद रिगार्ड टू द कंटिन्यूएंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक COVID-19, द यूनिवर्सिटी शेल कंडक्ट क्लासेस इन द forthcoming ऑड सेमेस्टर जुलाई-दिसंबर थ्रू ऑनलाइन मोड। यानी आगे वाले सेशन के, आगे वाले सेमेस्टर के लिए जुलाई दिसंबर के लिए ऑनलाइन क्लासेस होगी। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट द क्लासेस थ्रू ऑनलाइन मोड इन द ऑड सेमेस्टर जुलाई-दिसंबर 2020 एज पर द फॉलोइंग कैलेंडर। ये एकेडमिक कैलेंडर है जो जुलाई से एप्लीकेबल होगी। सीरियल नंबर 1 CC/DC मीटिंग ऑड सेमेस्टर 1 जुलाई से 16 जुलाई 2020। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स ऑफ CBCS/non CBCS 13 जुलाई से 7 अगस्त 2020 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। टीचिंग शेड्यूल एंड कंटिन्यूअस एवेल्युएशन फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स आगे प्रोमोट हुए हैं उनके लिए 20 जुलाई टू 13 दिसंबर 2020। QP क्वेश्चन पेपर मॉडरेशन फॉर current सेमेस्टर एग्जामिनेशन 19th of October 2020 to 7th of November 2020. Students evaluation of courses 23rd of November to 27th of November 2020 and semester examination। जी हाँ, ध्यान से देखिए 10th 12 2020 यानी 10 दिसंबर से 21 दिसंबर 2020 तक। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मीटिंग 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 2020 तक। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 दिसंबर के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। छठ वेकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। विंटर वेकेशन फॉर स्टूडेंट्स 22 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक। विंटर वेकेशन फॉर टीचर्स 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। क्या नोट है? रेगुलर टीचिंग विल बी कंडक्टेड ऑन द फॉलोइंग 5 सैटरडेज विद 7th November सैटरडे, 28th of November Saturday, 5th of December Saturday, 12th of December Saturday and 19th of December Saturday in lieu of 16th to 20th November holidays on account of Bhai Dooj and Chhath Puja. It is for information to all concerned that the students of intermediate batches are permitted to register themselves for the coming semester and attend the online classes to be commenced from 20th of July 2020. The result of event semester January-June 2020 shall be announced in due course as per the approved guidelines. जो guidelines UGC MHRD की उसके according जिन्होंने exam दिए उनके results की भी घोषणा की जाएगी। Accordingly, all the students enrolled in various undergraduate, postgraduate, PhD programs are hereby directed to deposit the semester fee and get themselves registered in their respective programs/courses for the odd semester July-December 2020 by 7th of August 2020 positively. Registration process will be through online mode only. The ERP portal for registration and payment of semester course fees shall open from 13th of July 2020. Prescribed semester fee for different programs are enclosed herewith at Annexure 1 and Annexure 2. The registration process will be considered complete only on payment of fees through SBI eCollect. आगे क्या है नोटिस में? A student who fails to complete the registration process latest by 7th of August 2020 shall not be allowed to continue with online classes. All PhD students are informed to submit progress report to their respective DRDC as mentioned in the PhD Ordinance Clause 12-1 at the time of semester registration latest by 7th of August 2020. All the concerned head in charge of the department enforce instructions are requested to ensure that all students of their respective departments courses are registered by the scheduled timeline and no student is attending online classes without having completed the registration process. Enclosure Annexure 1 and 2. Annexure 1 और 2 की कॉपी इसकी लिंक जैसी अवेलेबल होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये जानकारी है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपके शुरू होने वाली है 20 जुलाई से, तो बिल्कुल आप इसको मिस ना करें। आगे जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cusb.ac.in को विजिट करते रहें। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो सवाल थे, आप जो परेशान थे एग्ज़ाम्स को लेकर, वो परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। 13 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है जो 7 अगस्त 2020 तक चलेगा। साथ ही साथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस 20 जुलाई से शुरू होंगी जो 3 दिसंबर 2020 तक चलेगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। स्टे एट होम, स्टे सेफ।